राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। पूर्व कांग्रेस सांसद और कोटा राजघराने के इजरा सिंह के बीजेपी में शामिल होने से कोटा बूंदी संसदीय सीट पर कांग्रेस को झटका लगा है। कोचिंग, कचोरी, डोरिया साड़ी और कोटा स्टोन के लिए कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के अपने मुद्दे हैं और ये इसकी इन खूबियों से ही जुड़े हुए हैं। दो जिलों की 8 विधानसभा सीटों से 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं यहाँ पर। इस सीट पर भाजपा से मौजूदा सांसद ओम बिरला मैदान में हैं। ओम बिरला 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहने का अनुभव रखते हैं। वहीं इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी रामनारायण मीणा हैं, जो विधानसभा के 9 और लोकसभा का 1 चुनाव लड़ने का तजुर्बा रखते हैं। अनिल जी, कोटा बूंदी में किसका पल्ला भारी है, क्योंकि दोनों ही तरफ जो प्रत्याशी हैं काफी अनुभव रखते हैं राजनीति का। ये भी एक जनरल सीट है। कांग्रेस ने 2 जनरल सीटों पर एसटी के प्रत्याशी उतार दिए जी, और टोंक सवाईमाधोपुर कोटा लगी हुई सीटें दोनों एक दूसरे से जी। जहां टोंक सवाईमाधोपुर खत्म होती है वहां कोटा बूंदी सीट शुरू होती है। रामनारायण मीणा ने देवली से विधानसभा चुनाव लड़के जीता, हिंडोली से विधानसभा चुनाव लड़के जीता, पीपलदा से बूंदी में भी जीते, टोंक में भी जीते, कोटा में भी जाके जीत गए और कोटा के सांसद भी रह चुके हैं एक बार जी। तो वो बहुत ही मतलब छुपे रुस्तम टाइप हैं, जो देखते हुए ऐसा लगता है वो बहुत बड़े वाइब्रेंट से लीडर हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, ऐसा नहीं है जी। किस्मत के धनी भी हैं और जाति समीकरण भी उनको सूट करता है। इवन कोटा से जब सांसद रहे तो कोटा में इतने मीणा मतदाता हैं कि वो एक तरफ पढ़ते हैं पोलराइज होकर के तो झुका देते हैं उस सीट को। ये स्थिति टोंक सवाईमाधोपुर की अभी हमने जिक्र डिस्कस की जी। मीणा और मुस्लिम मतदाता एक हो जाते हैं, एससी इनके साथ चला जाता है जी। तो कांग्रेस मुकाबले में आ जाती है। इस वक्त कोटा की 2-3 सबसे रोचक बातें हैं पॉलिटिकली, बाकी जाति समीकरण वगैरह ये वो तो कोई भी कहता रहेगा, किताबी बातें हैं। देखिए, कोटा सबसे बड़ा जनसंघ का गढ़ रहा है। यहाँ 1952 में पहला चुनाव रामराज्य परिषद जीती थी कांग्रेस के खिलाफ, और शांति धारीवाल के पिताजी जरूर वहाँ पे जीते लोकसभा के चुनाव, फिर शांति धारीवाल लोकसभा का चुनाव जीते। कांग्रेस के नाम पर कोटा में अगर कोई पहले जाना जाता था तो शांति धारीवाल का परिवार जाना जाता, फिर बाद में बहुत सारे लोग डेवलप हो गए, बहुत सारे लोग रविंद्र त्यागी हैं और बहुत सारे लोग हैं, पंकज मेहता हैं, वो सब खड़े हो गए। अगर हम चुनाव पर नजर डालें, पिछला चुनाव 2 लोगों ने जिन्होंने आमने सामने लड़ा था, ओम बिरला और इजयराज सिंह। इजयराज सिंह उस समय कांग्रेस के सांसद थे, कोटा राजघराने के सदस्य, बड़ा मान सम्मान है कोटा राजघराने का जी। और वो इजयराज सिंह ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया और उनकी पत्नी लाड़पुरा से एमएलए बन गई, ठीक है ना, भवानी सिंह का टिकट कटा जी। तो पहली बात तो ये कि पिछली बार जो दोनों आमने सामने लड़े दोनों एक ही पाले में है। इस बार इजयराज सिंह भी उधर है और ओम बिरला भी उधर है, तो कायदे से तो कोई सामने बचा ही नहीं। लेकिन इजयराज सिंह को जो वोट मिले थे वो इजयराज सिंह के नहीं थे, वो कांग्रेस के वोट थे। राज परिवार के प्रति आस्था सम्मान एक अलग बात थी, इसकी वजह से जीत गए एक बार वो जी। दूसरी बार हारे भी वो, लेकिन जो हारने पे उनको वोट मिले वो सम्मान के नहीं थे, वो कांग्रेस के वोट थे, एक बात तो ये। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि इजयराज सिंह और ओम बिरला भले एक साथ एक खाने में चले गए हों, इजयराज सिंह की पत्नी भी चली गई हों, लेकिन इजयराज सिंह के वोट शिफ्ट नहीं हो पा रहे कांग्रेस से बीजेपी की तरफ। इजयराज सिंह के वोट शिफ्ट करने की कैपेसिटी नहीं है उनको, ठीक है, वो एक मान सम्मान है उनका राजा परिवार के होने का जी। अगर ओम बिरला, प्रहलाद गुंजल, भवानी सिंह राजावत इन पर पार नहीं पा सके तो चुनाव जीतना मुश्किल होगा उनके लिए। पार्टी के अंदर बड़ी खाई उन्होंने अपने लिए खुद ने पैदा कर दी है, इसको पाटना बहुत जरूरी होगा। 3 बड़े विरोधी हैं उनके पार्टी के भीतर। इसमें चर्चा का विषय यही है कि वो अगर अपनों से अगर नहीं पार पाए तो काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ेगा नेचुरली। और ओम बिरला, मैं किसी के लिए कहना वैसे उचित नहीं होता, लेकिन उनको मैमेज काफी रहते हैं वो, और दूसरों को बहुत ज्यादा कुछ समझते नहीं है जी। सांसद भी रहे तो नेचुरली ऐसा हो भी जाता स्वभाव आदमी का, तो कार्यकर्ताओं से जरूर लगाव वगाव रखते हैं, लेकिन वो जो समकक्ष राजनेता है साथ लेके जो चलने की बात, उनको साथ लेके नहीं चलते वो, उनके बीच उनके सुप्रीमेसी का एक उनके अंदर एक बोध है कि मैं इन सबसे सर्वोच्च हूँ, सबसे ज्यादा, क्योंकि धनाढ्य भी सबसे ज्यादा है वो इनसे जी, सामर्थ्यवान भी ज्यादा है, तो इसलिए ओम बिरला। तो ये मुझे लगता है कि अगर वो नहीं जीत
सके इनका दिल, प्रयाग गुंजल का और भवानी सिंह राजावत का, जी, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होंगी भले से गिरिराज सिंह के साथ हो तो, एक बात। दूसरी ओर रामनारायण मीणा के लिए भी यही बात है कि शांति धारीवाल और भरत सिंह क्या दोनों कंधे से कंधा लगाकर काम करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर जो कांग्रेस छोड़कर गई थी ममता शर्मा, मैंने सुना है कि वो वापस कांग्रेस में आना चाहती हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैं नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है, पर मैंने ओवर हियर किया कहीं पर राजनीतिक कानाफूसी के दौरान कि उनका बेटा कांग्रेस में आके काम करना चाहता, पर शायद कांग्रेस तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, ऐसा मैंने ओवर हियर किया। तो क्या हरिमोहन शर्मा और ममता शर्मा के ग्रुप बूंदी इलाके में एक साथ काम कर पाएंगे अगर ममता शर्मा को वापस लिया जाता है तो, क्योंकि वो बागी होकर बीजेपी में चली गई थी, चुनाव लड़ ली बीजेपी से और हार गई। दूसरा भरत सिंह, क्योंकि पीपलदास से खुद एमएलए हैं रामनारायण मीणा इस वक्त वर्तमान एमएलए, भरत सिंह और शांति धारीवाल दोनों एक साथ काम करें, शांति धारीवाल के विरोधी लॉबी है वहां पे बड़ी, रविंद्र त्यागी हैं, पंकज मेहता हैं, क्या उनको रामनारायण मीणा अपने साथ जोड़ पाएंगे काम करने के लिए, ये बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस ही हराती है जी। और अगर ये सब एकजुट हो गए कांग्रेस के लोग तो ये सब एकजुट होकर ओम बिरला को पसीना आ सकता है, इसमें मुझे कोई दोराय नहीं लगती जी। क्योंकि जाति समीकरण भी रामनारायण मीणा को काफी सूट करता है वहां पर जी। तो मोदी का वो भी नाम ले रहे होंगे वहां पे आज। हाँ, इसमें कोई दोराय नहीं, कोटा तो बिल्कुल भाजपा में मोदी में इलाका जी, है जी। वहाँ पे दाऊदीलाल जोशी 3 बार एमपी बने, रघुवीर सिंह कौशल एमपी बने वहाँ से, कृष्ण कुमार गोयल एमपी बने 77 में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे, ललित किशोर चतुर्वेदी का वो गढ़ रहा कोटा, तो कोटा तो हड़ौती तो मूलतः हड़ौती दोनों सीटें जो है वो तो बीजेपी में ही मानी जाती है। गिरिराज सिंह जीत गए थे, उसके बाद तो वापस ओम बिरला जीत गए, तो कोटा और झालावाड़ जो हड़ौती दोनों सीटें हैं लोकसभा की, इनमें बीजेपी के गढ़ को तोड़ना जी। बहुत टेढ़ी खीर है। कांग्रेस अगर एकजुट होगी और अपने सारे वोट वो डलवा पाएगी तो ही चुनौती दे पाएगी, वरना हाड़ोती और खासतौर पे कोटा में जो ये बच्चे पढ़ने आए हैं जी, 18 साल की उम्र से बड़े, अगर इनके वोट कोटा में पढ़ रहे हैं जी, तो अधिकांश आपको मोदी मोदी करते हुए मिलेंगे वहाँ पर, नौजवान पीढ़ी है जी। तो इसलिए उसका भी बड़ा सहारा है ओम बिरला को, अगर उनके वोट वहाँ डल रहे हैं तो, वोट गाँव में डल रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में बिहार में डल रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, पर जिन्होंने वोटर लिस्ट में नाम यहां शामिल करा लिया तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए तकलीफदायक होंगे, इसमें कोई दोराय नहीं लगती। तो ये गढ़ है बीजेपी की सीट, लेकिन बीजेपी के अंदर भारी फूट है और ओम बिरला उसको पाट पाएंगे, इसमें मुझे शक लग रहा है। कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी तो ओम बिरला को कड़ी चुनौती दे पाएगी, इसमें कोई दोराय नहीं। कुल मिला के जो दोनों ही प्रत्याशी हैं उनकी पार्टियों में जो अंदर जो सब चीज़ें चल रही हैं, अगर वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाई तो दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी रहेगी। कौन उनसे पार पाता है, शायद विजय पताका उसी के हाथ में आ जाए। हाँ, एक नाम मैं और लेना भूल गया, विद्याशंकर नंदवाना जी, उनका भी टिकट कटा था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो भी बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है और विधायक रहे हैं और उनका भी अपने क्षेत्र में प्रभाव है। मुझे नहीं पता कि वो कितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं कि नहीं जी, लेकिन भवानी सिंह तो शायद नहीं कर रहे और प्रयाग गुंजल का भी अपेरेंटली लग नहीं रहा कि वो कितने सक्रिय हैं, हो सकता है सक्रिय हों जी। और चूंकि वहाँ पर मीणा प्रत्याशी है बीजेपी कांग्रेस का, सॉरी क्षमा करें जी, तो गुजर वोटरों को वो बीजेपी की तरफ ले जा सकते हैं सहजता से, तो वो एक वोट जाति आधार पर पोलराइज करने का काम भी कर सकते हैं जी, अपनी फॉलोइंग के अलावा, तो ये उनकी बड़ी उपयोगिता है। अभी उपयोगिता कितनी होती है, और चूँकि राजपूतों के बड़े सरदार खुद बीजेपी में चले गए गिरिराज सिंह, इसलिए भवानी सिंह राजावत राजपूत वोटों के आधार पर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गए वहाँ पर जी। वो तो अपनी फॉलोइंग के पीछे जो उनकी जय जयकार करते हैं भवानी सिंह राजावत की, उनके पीछे जरूर रिलेवेंट हैं, वो कितने से हैं और कितने कार्यकर्ता मोदी के सम्मोहन के बावजूद भी निष्क्रिय बैठे रहेंगे, ये मुझे शक लगता है इसमें जी। तो आदमी कितने लोगों को रोक पाएगा, कितने लोग वोट देंगे नहीं देंगे, या कि सक्रियता होगी अंत में उनकी भी मोदी की लहर देख के, लेकिन ये निश्चित है अगर कांग्रेस एकजुट हुई तो कोटा में भी कांग्रेस के प्रत्याशी रामनारायण मीणा जो बीजेपी का गढ़ है उसमें भी कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं ओम बिरला को, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता जी।
चलिए, वक्त बहुत कम है, इजाजत लेते हैं, लेकिन चलते चलते A1 टीवी की तरफ से अभी अनिल जी ने भी आपसे अपील की और हम बार बार आपसे ये अपील कर रहे हैं, 29 अप्रैल को राजस्थान में पहले चरण का मतदान है, अपने घर से बाहर निकलिएगा, मतदान जरूर कीजिएगा। देश का चौथे चरण का और राजस्थान का पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है। सत्ता संग्राम में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।